कुंदन अपने इरादों को पाने के लिए शाह साहब को सीढ़ी बनाता है। शाह साहब की आंखों पर समाज सेवा की पट्टी बंधी थी, जिससे वो कुंदन के इरादों को समझ ना सके और उसकी चाल में फंस गए। उधर रश्मि रोहित से एक मीठी सी खुशी बांटती है कि शायद डॉक्टर का इलाज असर कर रहा है और शायद जल्द ही उनका घर किलकारियों से गूंजेगा। सुजाता को मीनू एहसास दिलाती है कि प्रेम का प्यार उसके जीवन के लिए एक नई राह है। मोहसिन और फौजिया भी प्रेम और सुजाता के प्यार के खिलने की दुआ मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रेम के इंतजार का अंत नहीं हुआ। प्रेम वर्मा से बात कर सकती हूँ प्लीज? यस यस, जस्ट अ मिनट। प्रेम, 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 सुजाता का फोन। हेलो, सुजाता? हेलो, हेलो, फोन पर तो कोई नहीं है। हेलो सुजाता? प्रेम, सुजाता मैं प्रेम बोल रहा हूँ। अरे तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? हाँ मुझे बात करो ना। प्रेम, उस दिन के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अगर माफी के लिए तुमने फोन किया है तो माफ तो नहीं करूँ। नहीं, I'm sorry, मैंने आपके दिल को बहुत दुखाया। ऐसी बात नहीं है सुजाता। हाँ थोड़ा बहुत दुख जो मुझे मिला है वो तो चलता है, लेकिन आज फोन पर तुमसे बात करके मुझे जो सुख मिला है उसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकती। आज अगर तुम्हारा फोन नहीं आया होता ना, तुमसे बात नहीं हुई होती तो बड़ा मुश्किल हो जाता। अगर मैं आपको फोन नहीं करती तो मीनू मेरा जीना मुश्किल कर देती। ओ, तो तुमने फोन इसलिए किया है कि मीनू ने तुमसे कहा था? शायद हाँ, से दिल बहुत चाह रहा था से बात करने का, आपसे आकर मिलने का। लेकिन अगर मीनू मुझे डांटती नहीं तो मुझ में हिम्मत नहीं आती। अब तो आदत सी पड़ गई है ना, जो दिल चाहता है वो अक्सर होता। तो मैं आपको समझा दूंगी कि अनाथ की जिंदगी में नहीं सर, तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिंदगी सब कुछ मुझे समझा चुकी है। कल तुमने मुझे मौका नहीं दिया, मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि मैं भी तुम्हारी तरह एक अनाथ हूं।
आज जो इतना प्यार मैं तुमसे कर बैठा हूँ वो इसलिए कि मैं जानता हूँ कि तुम रिश्तों की कीमत जानती हो। तुम जानती हो कि एक घर क्या है और तुम ही मेरी तरह बेसब्री से एक घर बसाना चाहती हो। मैं आपका घर बसाऊंगी, आपकी जिंदगी में कभी रिश्तों की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। प्रेम, आई लव यू प्रेम। अब आई लव यू सुजाता, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुजाता। हेलो हेलो हेलो, तुम्हें ना वो सुजाता का फोन था, उसने थैंक यू सो मच। का विजिटिंग कार्ड अब तू ही रख। यानी तुझे प्रेम का विजिटिंग कार्ड रखना भी गवारा नहीं। अब इसका क्या करूंगी मैं? जब तेरे किसी काम का नहीं तो मैं क्या इसका चार डालूंगी? इसका जो करना है तू कर। अच्छा तो ठीक है। तूने कार्ड फाड़ दिया? तूने ही तो कहा था जो करना है कर, तो मैंने किया। मगर ऐसा कोई करता है क्या? हाँ करता है, जब तो याद हो जाता है। 6490025 6498 4 2। तूने नंबर याद कर लिया? हाँ, क्योंकि अब फोन पर भी बातें होंगी, मुलाकातें भी होंगी। मुलाकातें तो तेरे कहने पर प्रेम को फोन किया। तुमने प्रेम को फोन किया? यानी कि तुम मुझे सता रही थी? हाँ, वो क्या है ना, तेरा ही गुस्सा, तेरी डांट मुझे अच्छी लगी। मेरी बात बात नहीं, पहले ये बता प्रेम से क्या बात हुई। प्रेम की बात बाद में, पहले तेरी बात। मेरी बात? तेरे कहने पर, तेरी जिद पर मैं प्रेम, और अब मेरी सारी खुशियां वापस लौट गई। वरना मेरी नासमझी की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया था। प्रेम का प्यार तो भगवान का वरदान है जिससे सारे ख्वाब पूरे हो जाते हैं। अच्छा बताना सुजाता, प्रेम से क्या बात हुई? बातें तो बहुत हुई, लेकिन मतलब तो सिर्फ एक ही था। क्या? आई लव प्रेम। Yes! I love Prem! 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 ये क्या शोर हो रहा था? क्यों चिल्ला रही हो सुजाता? क्या बात है? वो मैम अब खुशी से चीख निकल गई मुंह से। खुशी से चीख निकल गई? किस बात की खुशी है तुम्हें? हाँ, good question. रहती अनाथ आश्रम में और फिर भी खुश। वो क्या है मैम ना, वो बोर्ड जो है ना, बोर्ड बोर्ड। हाँ बोर्ड, कि बाहर के लोग बिल्डिंग के अंदर अलाउड नहीं है ना। कितनी खुशी की बात है। हाँ कितनी खुशी की बात है। खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। हाँ दुश्मन।
दुश्मन। प्रेम कहाँ हो तुम? कितनी देर से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। मुस्लिम भाई, मुझे भी किसी के फोन का इंतजार था। तो फिर क्या हुआ? जो सोचा था वो नहीं। मतलब फोन नहीं है? हाँ मुस्लिम भाई, फोन नहीं। चलो अच्छा है, रात दिन की ये जो बेचैनी है वो तो खत्म हो गई। अभी कहाँ से बोल रहे हो? अभी अभी ऑफिस से निकला, सोचा कि फोन करके आपको बता दूं कि आप लोग मेरा इंतजार नहीं, मुझे देर हो जाएगी। क्यों, कहाँ जा रहे हो? प्रेम तुम्हारे इरादे क्या हैं? अब मेरी जिंदगी मेरे इरादों से कहाँ चलेगी मोहसिन भाई। अब जिंदगी ने एक नया रुख ले लिया। कल और शाम थी, आज और शाम। देखो प्रेम, मेरी बात सुनो। कल सुजाता मेरे साथ नहीं थी मोहसिन, लेकिन आज सुजाता मेरे साथ है। क्या क्या कहा तुमने? सुजाता तुम्हारे साथ? अरे हाँ मोहसिन भाई, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अरे इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ कि आप लोग मेरा इंतजार मत कीजिएगा, मुझे देर हो जाएगी। हाँ अच्छा बच्चू, तो अभी तक बकवास किए जा रहे थे, तो सोचा वो हुआ नहीं? हाँ अरे मोहसिन भाई, जैसा सोचा है वैसा नहीं हुआ, उससे बहुत ज्यादा हुआ। इसका मतलब है सुजाता का फोन आया था? अरे अभी-अभी आया मोहसिन भाई, अभी-अभी आया, और उसने मेरे प्यार को कबूल कर लिया। और क्या प्यार से कबूल किया मोहसिन भाई, कि अपनी तो लाइफ बन गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा और बता क्या-क्या बातें हैं? देखिए मोहसिन भाई, मेरे पास दो ऑप्शन, या तो मैं यहाँ पर ये जो क्रिकेट की कमेंट्री की जो हाइलाइट्स है वो आपको सुनता हूँ, या फिर कि मैं सुजाता के पास जाऊँ, उसके पास बैठूँ, उसके साथ बातें करूँ, बात को आगे बढ़ाऊँ। नहीं नहीं, तू जाकर बात को आगे बढ़ा और वापस आने के बाद पिछली बातों के साथ तो सारी की सारी हाइलाइट्स। तो खुदा खुदा हाफिज। कोई बात नहीं है। अरे इजहार इकरार के बाद कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है क्या? जब दिल चाह मिल ली, लेकिन आज मैं उससे नहीं मिल सकती। मगर आज क्यों नहीं? क्योंकि फोन पर सारी बातें हो गई ना। जो चावल चीनी की तरह बातें, कोई राशन कार्ड का आइटम है जो कार्ड के मुताबिक होना चाहिए? अरे प्यार की बातें कभी खत्म होती है क्या? आज मुझे इतनी खुशियाँ मिली है कि मुझसे संभाली भी नहीं संभाल रही। खुशी की आदत नहीं है मुझे। अगर आज मुझे और खुशी मिलेगी तो मैं मर जाऊंगी। आज क्या पुलिस तो मुझ पर हंसेगी नहीं, मेरा मजाक नहीं उड़ाएगी? नहीं बता ना। आज उसके सामने जाने में मुझे शर्म आती है। प्रॉमिस, मैं कल उससे मिलने जाऊंगी। सुजाता, आज तुम दोनों का एक बार मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज वो खास दिन है जब तुम दोनों प्यार के बंधन में बंधे, जब तुम दोनों में इजहार इकरार है। प्लीज सुजाता, दो मिनट के लिए से एक बार उसके सामने जाओ, फिर भले उल्टे पांव भाग के वापस आ जाओ। ठीक है, लेकिन सिर्फ दो मिनट के लिए। एग्जैक्टली 120 सेकेंड। सुजाता
Come here. Yes, ma'am. ऑफिस की कुछ पेपर्स फाइल करने। मैं बाद में आके कर लूंगी। क्यों? बाद में क्यों? अभी चलो। मैं कर देती हूँ मैडम। तुम किसी काम की नहीं हो। Let's go सुजाता। सुजाता। Yes, ma'am. कभी पार लगाती रे नजर कितना घायल कियो रे तूने मोरा जिगर कभी यार कभी पार लगाती रे नजर गुड इवनिंग सर तुम फिर आ गए जी आप तो जानते हैं कि मैं सब जानता हूँ और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ हाँ हाँ बेशक पूछे क्या जानना चाह रहे हैं नौकरी करते हो जी हाँ नौकरी करता हूँ ऑफिस जाते हो जाहिर है अगर नौकरी करता हूँ तो ऑफिस भी जाता हूँ तुम्हारा ऑफिस बिल्डिंग में है या बंगले में मेरा ऑफिस तो बिल्डिंग में है बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है वहाँ का चीफ इंजीनियर और मेरी जो पगार है वो बाबा तुम्हारे पगार के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ यार मैं तो ये बोल रहा हूँ मुझे वहाँ नौकरी मिल जाएगी क्या आपको वहाँ का नौकरी चाहिए लेकिन आपकी नौकरी तो क्या करूँगा भाई जब आप जैसे लोग यहाँ आते रहेंगे तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा वहाँ पे आपके पिछले लफड़ों का नतीजा देख रहे हैं आप ये बोर्ड लग गया है यहाँ पे समझे अगर आप ऐसे ही आते रहे तो आप तो जाएंगे जेल और मैं जाऊंगा सड़क पर देखिए भाई साहब मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाह रहा हूँ कोई रास्ता नहीं सूझ रहा कि उससे कैसे मिलूं मैं देखो मित्र जब रास्ता नजर नहीं आता तो एक महात्मा ने कहा है तो सुबह सुबह शांति पार्क में घूमने जाना चाहिए शांति पार्क में हाँ अपनी सुजाता दीदी रोज शांति पार्क में जाती है बच्चों को लेकर कल भी सुबह जा रही है वो तो शांति पार्क में हाँ सुबह थैंक यू आपने आपने आइडिया दे दिया हाँ मैंने किसी से कुछ कहा ही नहीं दुश्मन मैं मानने को तैयार नहीं हूँ अरे मोहसिन भाई मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ लाहौल बिलकुवत ऐसा भी कहीं होता है मेरे साथ तो हुआ है ये सारी की सारी अजीबोगरीब बातें आप ही के साथ क्यों होती है सवाल अच्छा है ऊपर जाऊंगा तो मालिक से पूछ लूंगा जवाब मेरे पास है जी हाँ जवाब मेरे पास है प्रेम साहब ऐसा है कि आजकल आपको अपने मोहसिन भाई से बातें छुपाना आ गया है देखिए मोहसिन भाई ये बेकार का इल्जाम आप मुझ पर नहीं लगा सकते ओहो अच्छा जनाब तो आजकल हमारी बातें बेकार भी हो गई और इल्जाम भी हो गई ओफो ये कचहरी आप लोग बाद में बिठाएगा प्रेम भाई से पानी तो पूछ लो प्रेम भाई पानी ला जी बाबू और सुनिए चुल्लू में लाइएगा ताकि डूब के मर सके कहते हैं कि सुजाता से आज इनकी मुलाकात ही नहीं हुई ऐसे नामाकुल इंसान को हमने अपने दोस्त का दर्जा दिया हुआ अरे मोहसिन भाई अगर आज मुलाकात नहीं हुई तो कल हो जाएगी अरे मगर जो बात आज की मुलाकात में होती वो कल की मुलाकात में नहीं होगी चलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल की मुलाकात में मैं आज की मुलाकात वाली बात ले आऊंगा इस बात की क्या गारंटी है कि कल मुलाकात हो ही जाएगी मोहसिन भाई गारंटी है बात यह है कि कल सुजाता आश्रम के बच्चों के साथ पार्क आने वाली प्रेम एक काम करना कल सारी बातें तय कर लेना सगाई की तारीख शादी की तारीख और हनीमून कहाँ होगा बच्चे कब होंगे किस उम्र में वो स्कूल जाएंगे और कब उनकी शादी होगी यहाँ तो दूल्हे से ज्यादा बाराती उतावले हैं भाई यहाँ तुम्हारा इंतजार तो नहीं कर रहा था लेकिन
मेरी बाहों में तुम्हारा आके समा जाना, इसे एक लम्हे का इंतजार करो। इसे एक लम्हे के लिए मैं कितना तड़पा हूँ, कितना तरसा हूँ, इसका अंदाजा तुम्हें। पूरी जिंदगी मैं आश्रम में पली बड़ी हूँ, जैसे जैसे बड़ी हुई बाहर की दुनिया से मेरा फासला बढ़ता गया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मेरी जिंदगी में आएगा, मुझे प्यार देगा। फिर तो मेरी जिंदगी में आ गई और अपनी पहली मुलाकात में तुमने मुझे घोड़ा बना दिया। भूल जाना उसको। अरे भाई, अपनी पहली मुलाकात को कैसे भुला सकता हूँ? जानती हो, पहली बार जब तुम्हें देखा था तभी तुमसे प्यार करने लगा। अच्छा ये बताओ कि पहली बार तुम मुझसे कब प्यार करने लगे? मुझे पता ही नहीं चला। जैसे मैं अपने दिल से धोखा खा बैठी। मैंने कभी नहीं सोचा था किसी से प्यार करने का, किसी का इंतजार करने का। और फिर चंद मुलाकातों में तुम मेरे लिए इतने अहम हो गए कि मैं खुद को भूल बैठी। यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि पहली बार जब बाहर तुम मुझे मिलने आई थी, तुम्हारे लिए मेरा प्यार ये अब ये भूल जाओ कि हम कब मिले, कैसे मिले, प्यार कब हुआ, कैसे हुआ। ये बताओ कि आगे का प्रोग्राम कब? ठीक है, शादी की तैयारियां तुम जल्दी से करो। अगर मैं शादी की सारी तैयारियां करूंगा तो तुम क्या करोगे? अपना प्रोग्राम तो है जिंदगी भर ये सारा प्यार देने का।